वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी स्टाइल। चलिए मैं आज आप सभी को बहुत ही इजी वे पे मेरे स्टाइल में एक रोल बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए विद इन 15 मिनट ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है, 4 एग लिया है, 1 चॉप करा हुआ मैंने टोमेटो लिया है, 1 चॉप करा हुआ मैंने ऑनियन लिया है, इस तरह से चॉप कर लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है और 1 मैंने हरी मिर्च ग्रीन चिली लिया है। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी लेना है, उसमें मैं इसको मैदा को ऐड कर रही हूँ। मैंने आटा को डाल दिया, थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया, उससे ये होगा कि जो आटा भून देंगे वो बहुत ही। अब मैं इसमें गरम पानी ऐड करूँगी। आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, फिर भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया, 10 सेकंड के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पानी गरम डालने के बाद आटा गरम रहता है तो आप लोग हाथ ना डालें, अगर हाथ डालेंगे तो हाथ जल सकता है। चलिए फिर गूंद लेते हैं अच्छे से, इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, अच्छा सा डो बना लेना है, इसको अच्छा सा डो बना लेना है इसका। मैंने अच्छा सा डो बन के मेरा रेडी हो चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। इतना सा डो ले लेना है और इसकी रोटी बना लेनी है। मैंने आटा स्प्रिंकल कर दिया है, तो आपके पास आटा या मैदा जो भी हो आप वो स्प्रिंकल कर सकते हो, इससे ये होगा कि रोटी लगेगी नहीं नीचे। आप देख सकते हैं मेरी रोटी बन रही है, मेरी रोटी बन के रेडी हो चुकी है। आपको इसका थिकनेस भी ऐसे ही रखना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरा पैन गर्म हो चुका है, मैं इसमें 2 टीस्पून में ऑयल ऐड करूंगी। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें रोटी को डाल दूंगी। रोटी को मैंने डाल दिया, मैंने डाल दी रोटी को, इसको अच्छे तरह से ब्राउन कर लेना है। तो रोटी एक साथ ब्राउन हो चुकी है तो दूसरी तरफ दूंगी, उलाट के दिखाती हूँ दूसरा साइड, वो भी एक साइड ब्राउन हो चुका है। हम देख सकते हैं रोटी को मैंने उलाट दी, चलिए इसको निकाल लेते। चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं। मैंने प्लेट में मेरी रोटी को निकाल ली है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 टीस्पून ऑयल गरम करने के लिए छोड़ा है, वो गरम हो चुका है, तो इसमें मैं एग को ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 एग को ये कर दिया, थोड़ा स्प्रिंकल सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ। 2 पिंच 1 पिंच आपको जितना अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना स्प्रिंकल करना है आप कर सकते हो। अब हमारी जो रोटी बनी है उसको मैं इसके ऊपर, मैंने रोल को निकाल लिया है एग रोल को, पर मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है और मेरा कटा हुआ जो टमाटर प्याज और ये है इसको मैं डाल देती हूँ, थोड़ा टोस्ट कर लेती हूँ। मेरा जो कटा हुआ ये है इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेती हूँ, इससे ये होगा कि ये बहुत ही फ्लेवर इसका अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्ट भी लगेगा। मेरा एग रोस्ट हो चुकी है, इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, देख सकते हो आपको भी ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई कर लेना है सब्जियों को, थोड़ा 1 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, फिर मैं एक रोल में डालूंगी। अब मैं सब्जियों को एक रोल के ऊपर डालती हूँ। मेरा हो चुका है, मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉस ऐड करूंगी, अब रोल को फोल्ड कर लेती हूँ। अब रोल को मैंने ट्विस्ट कर चुका है, इसको अच्छे से अंदर कर देना है। मेरा ये वाला साइड है, इसको निकाल देना है।
आप देख सकते हो मेरा एग रोल बनके एकदम रेस्टोरेंट जैसा तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस सा मेरा यम वाला रोल है। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो।